हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोर टू आईआईटी। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कई बच्चों ने मुझे कमेंट भी किया था और कई बच्चों के दिमाग में ये कि डाउट भी है कि ये जो 75% वाला क्राइटेरिया सब बोल रहे हैं, 75% चाहिए ट्वेल्थ में, 75% चाहिए, वो क्या है? वो अभी तक बच्चों को पता नहीं चला है। तो मैंने सोचा इस वीडियो में मैंने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन लिख लिया है, ठीक है? कोई भी आपको कुछ भी बोले उस पर भरोसा मत करिए, अभी यहाँ पे जो है उस पर हम भरोसा करते हैं। एक बात याद रखो कि जो इस सेमेस्टर अभी 2020 का एग्जाम हुआ और उन लोगों का जो अभी एडमिशन हो रहा, अभी कंप्लीट हुआ है जस्ट 15-20 दिन, 1 महीना पहले, उनमें थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया था। अब आपके पीडीएफ में क्या लिखा वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? चलो, पहली चीज तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सर्च में जाके 75 लिख देता हूँ, तो जो जितने भी 75% वाले बात बोल रहे हैं वो सारी की सारी सर्च बात हो जाएगी। देखो, तो मैं यहीं पे बता रहा हूँ आपको कि ये देखो, ध्यान से पढ़ते हैं इसको। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू एनआईटीज, IIITs, CFTIs, मतलब कि सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, पार्टिसिपेटिंग थ्रू सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड CACB से अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तब ये क्या है, देखो ध्यान से, कि एडमिशन टू BE, BTech, BR, B प्लानिंग कोर्स इन दिस कॉलेजेस, ये तीन चार कॉलेजेस में अगर आपको चाहिए थ्रू CACB, तब क्या है, द कंडीशन दैट द कैंडिडेट शुड हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 75% मार्क इन द 12th क्लास एग्जामिनेशन और बी इन द टॉप 20% इन द 12th क्लास और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। फॉर SC ST कैंडिडेट इट्स रिड्यूस्ड टू 65%। अब ध्यान से समझना, JEE मेंस एग्जाम देने के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। ये क्राइटेरिया किस चीज के लिए है, अगर आपको इन कॉलेजेस में से NITs, IIITs, CFTIs और आगे IITs भी आएगी, अगर वहां पे आपको एडमिशन चाहिए तब आपको 75% की बात है। और अभी जो कोरोना के चलते इन लोगों ने ये 75 का कम कर दिया था, आई गेस के 65 के आसपास कर दिया था, लेकिन वो सिर्फ उसी साल के लिए था, 2020-21 के लिए। अब आप जब एडमिशन लेने जाओगे तब यहाँ पे कोई 65 का कोई मेंशन नहीं है, आपको जो रिड्यूस दिख रहा है वो कैटेगरी के लिए है, उसके अलावा जनरल वालों के लिए तो 75% ही रखा है, ये बात याद रखना, ठीक है? दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज है वो है टॉप 20% आप देख सकते हो, और बी इन टॉप 20% उसका मतलब समझाता हूं मैं आपको। कई बार क्या होता है, कई बोर्ड है ना थोड़े लिबरल चेकिंग होती है उनको, उनके वहां बहुत इजीली मार्क दे देते, मतलब 75 तो हर बच्चे का आता है, ऐसा भी होता है। तो अगर आपके 75 प्लस है कोई बात नहीं, आप तो IITs में NITs में जा ही पाओगे। कई बोर्ड में क्या है कि मार्किंग टफ होती है, तो जो हाईएस्ट टॉपर होगा ना बोर्ड का उसके भी शायद तक 85% आए हो, ठीक है? तो 75% के ऊपर तो बहुत कम बच्चे होंगे, लेकिन 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 वहां पे आप परसेंटाइल भी चेक कर सकते हो ना। अगर आप टॉप 20% मतलब 80 से 100 के बीच में हो फिर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। ऐसा ऐसा पॉसिबल है कि आपके 65% हो लेकिन आपका परसेंटाइल 81 या 82 भी हो, मतलब कि आप टॉप 20% में हो, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है? तो हमें दोनों कंडीशन देखनी है, 75 प्लस मार्क, 75% मार्क या टॉप 20%, दोनों कंडीशन है, ठीक है? तो ये एक केस था 75 का। उसके अलावा देखते हैं यहाँ पे, देखो एलिजिबिलिटी फॉर JEE एडवांस, वहां पे आप देख सकते हो कि द मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन फॉर JEE एडवांस इन 2021 इज दैट द कैंडिडेट मस्ट हैव पास द फाइनल एग्जामिनेशन और 12th इक्विवेलेंट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विद 75% एग्रीगेट। अब ये देखो कि यहां पे बोला है मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन फॉर JEE एडवांस, मतलब अगर आपको JEE एडवांस में जाना है तब तो ये कंपलसरी है। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, JEE मेंस में जाने के लिए ये कंपलसरी नहीं है। JEE मेंस तो 55% वाला बंदा भी दे सकता है और 50% वाला बंदा भी दे सकता है, एनी वन कैन गिव JEE मेंस एग्जाम, परसेंटेज का JEE मेंस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर NITs, IIITs, गवर्नमेंट फंडेड या सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट्स में जाना है उसके लिए 75% चाहिए। फिर अगर JEE एडवांस देना है तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है गाइस के 75% चाहिए एग्रीगेट, ठीक है? मैं ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, ये जो इन लोगों की ऑफिशियल वेबसाइट है उनका PDF और वहीं पे लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हो 75% लिखा है अपियरिंग इन JEE एडवांस, ऐसा नहीं लिखा है कि IIT में एडमिशन के लिए। अगर आपको अपियर भी करना है फिर भी आपको 75% मार्क और टॉप 20% आपको चाहिए ही चाहिए, ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, ठीक है? और 65 फॉर SC ST एंड PWD कैंडिडेट। तो ये जो 75% वाला है फंडा है वो याद रखिए कि वो सिर्फ इन जगहों के लिए है, और इसके अलावा मैं अगर आपको कहीं पे दिखाऊं तो कहीं पे ये तो मतलब सीरियल नंबर है, ये भी सीरियल नंबर, ये भी सीरियल नंबर, यहाँ पे भी नंबर है, खत्म। तो इतने ही दो ही जगह पे 75% की बात आ रही है, वो है यहाँ पे NITs के एडमिशन के लिए और एक है JEE एडवांस में अपियर करने के लिए।
अब कोई बता रहा था कि भैया परसेंटेज रिड्यूस हो चुके हैं, लेकिन वो पिछले साल हुआ था, अभी अभी इस साल करंट साल में कोरोना की वजह से हुआ था, आपके साल में भी हो सकता है आगे जाके वो फिर से बदल दे, लेकिन अभी के लिए तो यहाँ पे यही है 75% मार्क इन 12th एग्जामिनेशन। ठीक है, तो याद रखना जेडब्ल्यू मेन्स हर बच्चा दे सकता है, जेडब्ल्यू मेन्स की क्वालिफिकेशन में यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। चलो यहाँ ऊपर जेडब्ल्यू मेन्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन लोगों ने लिखा ही होगा, जस्ट अ सेकेंड मैं आपको ढूंढ के दिखा देता हूँ। ये रहा देखो, ये रहा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दिख रहा है आपको? ठीक है, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जेडब्ल्यू मेन्स के लिए है, उसमें यहाँ पे क्लियरली मैं बता दे रहा हूँ। देखो, फॉर अपियरिंग इन जेडब्ल्यू मेन्स देर इज नो एज लिमिट, कैंडिडेट हुए पास द 12th एग्जामिनेशन इन 19, 20 और 21 कैन गिव द जेडब्ल्यू मेन्स एग्जाम। ठीक है, एज क्राइटेरिया तो अपने हिसाब से फुलफिल करना पड़ेगा, फाइनल एग्जाम आपने यहाँ यहाँ से दिया हो, इंटरमीडिएट ये सब कंडीशंस दे रखी हैं। ठीक है, आप देखो यहाँ पे कहीं पे भी 75% वाली बात नहीं लिखी गई है, कहीं पे भी 75% नहीं लिखा है। ठीक है, ईयर ऑफ अपियरेंस मतलब कि आपने अगर 19, 20, 21 वाले हो तभी आप दे पाओगे, वो तो मतलब चलो दूसरा क्राइटेरिया, परसेंटेज से रिलेटेड नहीं है। अगर आप 18 वाले हो तब आप 100% वाले हो तब भी आप नहीं दे पाओगे। ठीक है, कैंडिडेट्स हुए पार्ट इन 2000 और बिफोर एज वेल दोज हु विल अपियर इन सच एग्जामिनेशन और लेटर नॉट एलिजिबल फॉर एग्जामिनेशन जेडब्ल्यू टू, मतलब बट वैसी चीजें वो आप अपियर नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे कहीं पे भी परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं लिखा है। ठीक है, तो परसेंटेज की बात जेडब्ल्यू मेन्स के लिए नहीं है, परसेंटेज की बात है एनआईटीज, IITs, गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट के लिए, जेडब्ल्यू एडवांस में अपियर होने के लिए। ठीक है, मतलब IIT में आई है 75% या top 20 percentile। आई होप ये पूरा सिनारियो आपको एकदम क्लियर कट बात हो चुकी होगी। अभी एक दो दिन से थोड़ा हमारा इन सब चीज़ों में मैं एप्लीकेशन फॉर्म भरवाने में लगा हुआ हूँ, तो आई गेस 2-3 दिन इस पर रिलेटेड वीडियोस आते रहेंगे मेरे, जैसे ही ये चीज़ खत्म होगी हम फिर से हमारे पढ़ाई पे स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि हमें दोनों तरह मेंटेन करना है, पढ़ाई भी करना है और ये सब चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और डाउट्स होते हैं और इसमें बहुत मिस्टेक्स भी होती है, तो हमें ध्यान रखना है कि हम इस पर भी काम करें। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था, इसमें मैंने सारे डाउट्स क्लियर करवा दिए हैं। वीडियो को जरूर से लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। प्लीज़ वीडियो को जरूर से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके हमारे पास बहुत ही कंटेंट वाले वीडियो है, जाइए वो भी सीखिए, पढ़िए उनसे और पेन पेपर लेके खुद से सॉल्व करिए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।